अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं फिटनेस मीडिया। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक जबरदस्त इवेंट, एक जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है, एबीएल राउंड रोबिन थर्ड एडिशन। इसमें क्या क्या चीजें होंगी, मिलते हैं सलमान साहब से और जानते हैं। छोटी सी हम एक लीग है जो कि हम लोकली अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स को ये गेम खेलने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं और इसको इंटरनेशनल रूल्स के तहत हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर। हमारी मुख्तलिफ कैटेगरी के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि एबीएल ऑर्गेनाइज कर रहा है, उनके अंदर हमारी सिटी वाइज और नेशन वाइज टूर्नामेंट्स हैं और इसके अलावा सुपर सीरीज हैं। सुपर सीरीज़ वो होती है जो कि दो कंटेंडर एक दूसरे को चैलेंज करते हैं और अब उनकी गेम के हिसाब से वो तैयारी करते हैं कुछ महीने और फिर उसके बाद उनको एक इवेंट के अंदर हम लोग खिलाते हैं जो कि आपस में कॉम्बैट करके वो एक दूसरे के साथ मैच कर रहे होते हैं। और एक फॉर्मेट है जिसको हम राउंड रॉबिन कहते हैं जिसमें चार से पाँच लोग जो हैं वो आपस में ही खेल रहे होते हैं और नॉकआउट बेसिस के ऊपर या डिपेंडिंग ऑन के वो कितने लोगों की फॉर्मेशन है वो उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है और वो अपने प्लेयर के अगेंस्ट कॉम्पीट करके विन करके करते हुए जाते हैं। जो आज राउंड रॉबिन है ये बेसिकली एक बड़े गेम की तरफ हम इसको लेकर जा रहे हैं कि जो कि डिफरेंट राउंड रॉबिन में से जीतते हुए लोग जाएंगे और वो अल्टीमेटली एक बड़ी सीरीज आपस में खेलेंगे, तो ये उसकी तरफ लेकर जा रहे हैं। उस इवेंट के अंदर ऑब्वियसली हर प्लेयर को जो है वो विनिंग प्राइज मिलेगी। आज के जो विनर्स हैं वो क्वालिफाई करेंगे अगले राउंड रॉबिन्स के अंदर कम्पीट करने के लिए। लेकिन जहाँ तक सवाल है सुपर सीरीज़ की के इवेंट्स का, वो ज़रा मुख्तलिफ होती है, उसके अंदर तैयारी डिफरेंट तरीके के साथ होती है और उसके अंदर अप्रोच गेम की बहुत डिफरेंट होती है, तो उस वजह से हम जो सुपर सीरीज़ मैचेस हैं वो उसके अंदर हर विनर को जो है वो प्राइज मनी मिलती है। राउंड रॉबिन के अंदर हर राउंड रॉबिन में क्योंकि उनकी सीरीज इतनी कंसिस्टेंटली हो रहा होता है उसके अंदर कोई विनिंग प्राइज नहीं होती। इसी तरह के बेसिकली हमारे पिछले कुछ राउंड रॉबिन मैचेस चलते रहे हैं, इवेंट चलते रहे और हर महीने ये चलते रहेंगे फॉर नेक्स्ट 7 to 8 months और उसके बाद फिर हम इस साल एंड में जो है वो ग्रैंड राउंड रॉबिन की जो पूरे साल की सीरीज चली है उसका हम एक आप ये समझे कि चैंपियंस ऑफ द चैंपियंस जो हैं वो आपस में खेल रहे होंगे उसके अंदर। इसके अंदर हमें जो है वो कराची के अंदर जो डोमिनेटिंग राइट हाथ के राइट आर्म के जो हमें एक हमें जयान फारूक जो है वो आज हमने उनको क्लियर कट हमें वो आइडेंटिफाई हुए। जयान फारूक अपनी वेट कैटेगरी के अंदर आज से एक महीने पहले मिस्टर कराची का टूर्नामेंट हुआ उसके अंदर भी वही विनर थे और लेफ्ट हाथ के अंदर जो है वो हमें माविया विनर रहे हैं और माविया जो है वो मिस्टर कराची का टूर्नामेंट जो वो नहीं खेल पाए थे फॉर सम रीज़न, लेकिन आज जब हमारे राउंड रॉबिन हुआ है तो उसके अंदर उन्होंने अपनी वेट कैटेगरी को डोमिनेट किया है। तो फिलहाल तो हमारे पास ये दो लोग जो हैं बड़े क्लियरली आइडेंटिफाई होते हुए आए और अब यही इसी तरह के मैचेस जो हैं वो लाहौर में और इस्लामाबाद में और हरिपुर के अंदर इन नेक्स्ट 3 months होंगे। ये 3 months का लाइनअप तो है हमारे पास, इसके बाद फिर हम आगे और बढ़ेंगे। आर्म रेस्लिंग एक ऐसा खेल है, एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसको जो कि हम रूल्स ज़्यादा ना मालूम होने की बिना के ऊपर भी हम नॉर्मली अपने दोस्तों यारों के अंदर कर रहे होते हैं और ये बहुत ही अट्रैक्ट करता है यहाँ पाकिस्तानी यूथ को। हम लोगों के पास जोर आजमाई का एक कल्चर है, हमारे कल्चर का हिस्सा ही है। तो इस स्पोर्ट्स को हम ज़्यादा पढ़े लिखे तरीके के साथ मैच्योर तरीके के साथ लेकर आए हैं अपने यूथ के लिए ताकि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग हो, उनकी उसकी गाइडलाइन हो कि वो किस तरह इसको खेलें, किस तरह अपने आप को इंजरीज से बचाएं, किस तरह टूर्नामेंट्स के लिए खुद को प्रिपेयर करें। और उम्मीद यही है कि उसकी वजह से इस तरह की अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा जो यूथ है वो रादर ये कि अपना टाइम वेस्ट करे या किसी गलत डायरेक्शन के अंदर वो जाए, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। दे आर ऑल्सो अर्निंग मनी थ्रू दिस, दे आर ऑल्सो गेटिंग फेम आउट ऑफ इट। तो दोस्तों आपने देखा आर्म रेस्लिंग का इतना ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, मुझे तो बहुत मज़ा आया, उम्मीद है आपने भी इन्जॉय किया होगा। और अब आपने करना यह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करना है। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आता है इस इवेंट के हवाले से या कोई और इवेंट आप देखना चाहते हो उस हवाले से भी आप हमें आगाह कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।